वट वृक्ष के नीचे आकाश से बिजली ने कहर बरपाया है। वहीं ठंड का गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस कर घायल हो गए, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए फतुहा PHC लाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर किया। मरने वाले 4 लोगों में एक गर्भवती महिला भी है। इस दुर्घटना में एक 45 वर्षीय पुरुष, एक 14 वर्षीय किशोर, एक 9 वर्षीय बच्ची शामिल है। सभी लोग पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले हैं और खाना बदोश की जिंदगी जीते हुए लगभग 50 की संख्या में पिछले 1 महीने से फतुहा रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर रह रहे थे और प्रतिदिन की तरह स्टेशन से सटे पेड़ के नीचे खाना बना रहे थे। इसी दौरान ठंड का गिरने से मौत हुई। सभी लोग प्लास्टिक का सजावटी फूल बनाकर बेचने का काम करते हैं। सोना रानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। आज एक विद्युत स्पर्शाघात की एक घटना हुई है। हमारे अस्पताल से लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, 400-500 मीटर होगा, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर में एक पेड़ है, बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे लोग खाना खा रहे थे या खाना खाने जा रहे थे। तो उसी दरमियान जो इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ, विद्युत स्पर्शाघात हुआ है, जिसको यहाँ हम लोग ठनका बोलते हैं, उससे 6 लोग प्रभावित यहाँ लाए गए अस्पताल में, जिसमें 4 मृत पाए गए थे। ये 4 हमारे यहाँ ब्रॉड डेड जिनको बोलते हैं वैसे थे, बाकी जो प्रथम हम लोग फर्स्ट एड के साथ उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, उम्मीद है वो स्टेबलाइज कर सकेंगे। स्टेबलाइज करने के बाद उन्हें हम लोग हायर सेंटर के लिए रेफर कर देंगे। उसमें सर जो एक घायल लड़का है वो कह रहा है कि उसके आंख की रोशनी मतलब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली ये अफेक्टेड है, वो ऐसा नहीं, जो 2 बच रहे हैं, जो अभी तक मतलब जो 2 को हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रभावित है स्पर्शाघात से। तो हम लोग देख लेते हैं उनका वाइटल्स, अभी मॉनिटर कर ही रहे हैं, और हम लोग वाइटल्स मॉनिटर करते हुए ही उनको फर्स्ट एड दे के ही भेजेंगे, अभी नहीं तो रास्ते में कुछ और तकलीफ हो सक न हो जाए, इसलिए फर्स्ट एड बहुत आवश्यक है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।